छोटे में पहले तो जी ये इससे नीचे घुटने से नीचे के टहने नहीं रखने। हाँ जी, शुरू में ही नहीं बनाने जी, पहले साल में जो आपका कट लगे वो 2.5 फीट के आसपास लगे, ताकि आपकी जो ब्रांच हो वो इस दायरे से निकले, है ना जी, घुटने के साइज से ऊपर। मेरा घुटना छोटा है ना जी, ब्रांच छोटी है तो मेरा नीचे चला जाएगा 2 फुट में, 2.5 फीट मान के चलना जी आप, है ना जी। बाकी आपने निचला जो फ्रेम है जी, इससे पहली कोशिश करनी है कि एक ही जगह से, जैसे ये भी यहाँ से, ये भी यहाँ से, ये भी यहाँ से, ये भी यहाँ से, ये ब्रांच एक ही जगह से ना हो। ये ब्रांच अगर यहाँ से थी ना जी, तो इधर की ब्रांच थोड़ी मेरी यहाँ से 2-1 इंच ऊपर से होती, है ना जी, ये वाली इससे 2 इंच ऊपर से होती, या एक जगह से दो तरफ की, इधर और इधर की एक तरफ से आई भी थोड़ा ऊपर नीचे, तो ये दो है, ये थोड़ी और ऊपर नीचे से। एक ही जगह से जब हम ब्रांचेस लेते हैं ना जी, तो ये इसको कमजोर करता है लीडर को। तो आपके ये जो बना हुआ है, अगर आप इसको ऐसे चला रहे, तो इसका तो मैंने ये टहने आपके बने, मैंने यही टहने रखने हैं इसमें, इन्हीं को मेन बना के चलना है। आप चाहे रॉयल अभी से बना रहे हैं, चाहे स्पर लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, प्रूनिंग कंसेप्ट ये है कि आप उसको एक कोई मेन लेके चले। वो बीम में कितने घने हैं वो आपने देखना है कि एक ही डायरेक्शन में मेरे ज्यादा बीम टहने हो गए, तो आपने उन टहनों को बनाना है कि मेरे ये टहना इसके ऊपर तो नहीं आ रहा, तो आपने उड़ाना है, क्योंकि इसमें इतना गैप आपको चाहिए 1.5-2 फुट का टहने से टहने के ऊपर का, वरना वो कल को घने हो जाएंगे। वो दूसरी डायरेक्शन में आप टहना ले लो उससे, ठीक है जी। बाकी बनना है भी ABS है जी। इसका देखो जी, लीडर ही कमजोर हो गया। ये देखो जी, ये भी टहना है, ये टहना हमारे को नीचे जी, यहाँ एक ही साइड में 2 टहने हो जाएंगे। टहनी आप जितनी ले सकते हैं जी, शुरू में ही आपने लीडर से ही लेनी है, ताकि आपको ये टहने से टहने बनाने की दिक्कत ना हो। जितनी आप ले सकेंगे, आपको लगता है यहाँ मेरे पास जगह है, वहीं से आप टहना ले लो जी, मेन पहले लीडर से। और अभी आपके पास जितनी ग्रोथ होती है जी, उसका ऑलमोस्ट 60-70% पे रखो उसको, बाकी काटना है इसको, हार्ड नहीं काटो। ये देखो आप इतना काट रहे हैं, इसको आपने जो आपकी ग्रोथ है, आपकी 4 फीट ग्रोथ है ना जी, तो आप 2.5-3 फुट उसमें अभी रखो उसको, क्योंकि कब तक ग्रोथ करता रहेगा, जब तक इसमें बीमे नहीं बनेंगे। जिस दिन इसमें बीमे बनेंगे, उस दिन इसकी ग्रोथ कम होगी, तब आपको हार्ड प्रूनिंग करने की जरूरत है। तब तक आप इतना क्यों काट रहे इसको? आप देखो जी, 2 साल में इतने आए 1.25 फुट, मैं एक ही साल में इतना हूँ 3 फुट, तो वो 3 फुट या अभी भी 3 फुट बढ़ेगा, क्योंकि इस पे खुराक खाने वाला कोई नहीं है। खुराक कहाँ जानी है इसकी ग्रोथ में, क्योंकि इसमें बीमा नहीं है, बीमा ही नहीं ना अभी इसमें। तो इसमें जब तक बीमा नहीं बना, तब तक आप पेड़ का दायरा जितनी जल्दी बना सकते हैं बनाओ। अगर मैं 3-3 फुट की ग्रोथ 3 साल छोड़ता हूँ, 9 फुट में तो मैं पहुँच गया, इस हिसाब से तो 9 फुट में पहुँचने में आपके लगने 15 साल, तो खुद लगे रॉयल में सैंपल लेने में 15 साल। इसका दायरा आपने पूरा कैसे करना है जल्दी, इसको कम हेड बैक दे, इतनी ग्रोथ आई हुई है जी, इसको मैं यहाँ से काट लूँ ना जी, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अभी इसके पास खुराक लेने वाला कुछ है ही नहीं है, ये तो फिर ग्रोथ में जाना है। तो मैं इसका दायरा जब बन रहा है, तो इसको मैं ऐसे क्यों ना काटूं, अगली साल इतनी ग्रोथ करेगा, तो 2 साल में ही मैं कहाँ चला गया, यहाँ देखो आप, यहाँ अगली भी होगी इतनी, 2 साल में वहां पहुंच गया, ये देखो यहाँ जी, 1-2-3 साल में ही इतना पहुंचा जितना मैं एक साल में। हाँ जी, तो आपने हार्ड प्रूनिंग तब करनी है जब आपका बीमा बनना शुरू हो जाता है, जब खाने वाला है, खाने वाला कौन है, सेब, जितनी खुराक है वो सेब ने ले ली, तो तब तक इसको आप हल्का काटते रहो जी। ये छोड़ देने जी अंदर वाले आपने बीमों के लिए, इसमें रिंग है तो इसको यहां से काट देते, इसको अभी कर दो जी। नीचे जी बहुत घने हो गए हैं। ये टहना बना सकते हैं जी हम, इसको चाहे थोड़ा सा और हार्ड कर लो।
ये बन गया जी। अब इसमें आपको कोई डाउट है तो मेरे को पूछो जी, फिर मैं बताता हूँ। ये तो नहीं, ये नहीं फंसेंगे जी, ये यहाँ जाना है जी, है ना जी, ये यहाँ है ना जी, अरे वाला टर्न है जी। अगर आपको लग रहा है ना जी कि आपको ये कल को चिपकेंगे, हाँ जी, तब हमारा जो अपना आइडिया हम रखते हैं जी 1.5 फुट के ऊपर से टर्न, यहाँ लगना ना ये टर्न है, यहाँ से वहाँ पहुँचना बाहर। अगर आपको लग रहा है कि ये खड़े हो रहे हैं, बाकी आपको इधर से शूट तो लेना ही पड़ेगा जी, यहाँ से कहीं ना कहीं से तो आएगा ही, तो इधर भी इधर से आपको कहीं ना कहीं फिर कल को शूट रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली साइड में यहाँ टहना है, इसके बाद इधर को टहना है। हाँ जी, इधर से कहीं से आपने इस साइड के लिए भी रखना है, चारों डायरेक्शन के टहने बराबर जी जी, जब तब कैनोपी बनेगी तब एक तरफ और ये भी नहीं नजदीक है, बिल्कुल ये तो आएंगे ही आएंगे ना जी, एक टाइम पे 2-1 फुट बाद आए तो हो जाता है। ये वाला तो नजदीक है, बड़े वाले। हां जी, हां जी, मतलब ट्रोलिंग आपने कर दी। हां जी, तो इसको कब बेंड कर सकते हैं और इसको ऐसा चला है तो वो वाला, तो ये तो करनी नहीं जी आपने, ये वाली ये बता दो, हमने करनी है जी बेंडिंग। मेरा अपना मानना है जी, सिर्फ M9 जो लगा रहा है 2.5 फुट में उसकी ये बेंडिंग है बिलो हॉरिजॉन्टल, जो नहीं लगा रहा है जो 5 फुट में, 6 फुट में, 8 फुट में, उसने जो बेंडिंग करनी है वो ये करनी है बस, वर्टिकल एक्सिस 45 डिग्री, इससे ज्यादा एंगल आपने नहीं देना, इससे क्या होगा इसकी ग्रोथ भी थोड़ी कंट्रोल होगी और ऊपर से साथों साथ बीमे भी बनेंगे, जब बीमे बनेंगे तो फसल से अपने आप यहाँ आएगा, और जब ये यहाँ आ गया तो वही है जी जो फसल वाले, इसके हमेशा बीमे क्योंकि झुका हुआ है ना जी, ग्रोथ की तरफ कम जाएगा, बीमा हमेशा बनता रहेगा और धूप इसको, हाँ जी, बस डंडे से आपने इसको वो करना है फरवरी मार्च में जी आपने, अभी सर्दियों में कई बार वो लोड पड़ता है डंडे पे वो टूट जाता है, तो आजकल नहीं करना है, ये करना फरवरी मार्च में, ठीक है, बस इस एंगल से नीचे नहीं जाना जी आपने, बस बस इससे नीचे नहीं आपने जाना, वो वाला जो ये वाला है वो तो एक तो ये वाली तो बेंडिंग ही गलत है, वो तो M9 पे जो करते हैं वो भी सीधा आके नीचे जाना चाहिए, जहाँ तो ये कूप बना यहीं से वाटर शूट छोड़ेगा, नहीं तो ये ग्रोथ खा लेगा सारी जिसकी, तो इसको आपने इतना बस ऐसे झुकने दिए थे। एक पुराना पेड़ भी देखते हो,